जी है असंख्य चोर हराम खोर गुरु नानक ने भी कहा है, चोरी सिर्फ कर्मेंद्रियों से ही होती है कि वाचा से भी चोरी होती है, और सिर्फ वाचा से ही चोरी होती है या संकल्पों में भी चोरी हो सकती है। पहले बात संकल्प में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मेंद्रियों में आती है। तो दुनिया में चोरों की संख्या जास्ती है या थोड़ी है? अगर कर्मेंद्रियों से चोरी नहीं करते होंगे तो वाचा से चोरी करके झूठी बात सुना करके सबको बरगलाते हैं। वाचा से भी नहीं करते हो तो कम से कम झूठे संकल्प करके, श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करके ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों का अनिष्ट करने वाले तो बहुत हैं। बाप कहते हैं अभी तो अंतिम समय चल रहा है, ये ऊंची स्टेज है, शास्त्र में लिखा है मन के संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ सृष्टि रची होगी या भ्रष्ट संकल्पों से श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है? श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, श्रीमत के अनुकूल संकल्प करेंगे, श्रीमत के संकल्पों में एक भी संकल्प मनमत का मिक्स नहीं होना चाहिए। न मनमत मिक्स हो, न मनुष्यों की मत मिक्स हो, न शास्त्रों की मत मिक्स हो, तब बनेगी सत्य सृष्टि। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्वार्थ के लिए अर्थात अपने शरीर रूपी रथ की प्राप्ति के लिए चोरी करते हैं। जो निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं वो ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर सकेंगे, नहीं तो अधर्म की ही सत्य स्थापना होगी। और छोटी माँ का असली सेवा शुरू हुआ। माना 2004 के बाद ही असली सेवा शुरू हुआ। यह व्यक्तवाणी 2004 की है। 2004 में संकल्पों के आधार पर जो ज्ञान की सेवा एडवांस पार्टी के द्वारा चल रही थी, नई नई ज्ञान की बातें नित्य प्रति निकल रही थी, वो ज्ञान संपन्न स्टेज में पहुंचा। ज्ञान के बाद फिर बात आती है प्रैक्टिकल कर्म करने की। शंकर का तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र कहा जाता है, शिव नेत्र कहा जाता है। वो शिव आकर के
कल्याण की बातें ज्ञान में सुनाई देते हैं। सिर्फ बातें सुनाने से तो सुनने से या धारण करने से काम नहीं चल जाएगा, प्रैक्टिकल जीवन में भी वो बातें प्रत्यक्ष दिखानी पड़े। तो वो कार्य जो एडवांस पार्टी को करना चाहिए, क्या ज्ञान की धारणा को प्रैक्टिकल रूप लाने का, वो एडवांस पार्टी रुद्रमाला के वत्स वो कार्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पवित्रता के लंगड़े हैं, लंगड़े होने के कारण वो चाल ही नहीं चल सकते। पुरुषों की माला है या स्त्रियों की माला है? पुरुषों की माला है, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। इसलिए पहली मूर्ति ब्रह्मा का कार्यकाल भी पूरा हुआ और शंकर की दूसरी मूर्ति का भी कार्यकाल पूरा हुआ। 2004 में ऐसे नहीं ब्रह्मा का पार्ट पूरा हुआ या शंकर का पार्ट पूरा हुआ। पार्ट तो अभी भी चालू है, पूरी स्थापना कहां हुई है? ब्राह्मण सो देवता धर्म की। तो ब्रह्मा का कार्य भी चालू है और पूरा विनाश कहां हुआ है? अधूरे ब्राह्मणों का होना है या नहीं होना है? तो शंकर का पार्ट भी चालू है, बाकी विष्णु द्वारा उन गुण धर्मों की पालना, उन ज्ञान रत्नों की पालना का काम रहा हुआ। वो कार्य विष्णु के द्वारा 2004 की बात शुरू होता है। जो ज्ञान रतन टीचर के रूप में शिव बाबा की वाणी से आते हैं, उन ज्ञान रत्नों की प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करना, पालना करना, ये विष्णु का काम है। वो कार्य कौन करेंगे? वो कार्य है हीरे जैसी आत्माएं करेंगी, चांदी जैसी आत्माएं करेंगी, तांबा जैसी आत्माएं करेंगी, या लोहे जैसा तामसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं पूरा करेंगी? वो हीरे दुनिया में कहां पैदा होते हैं? सबसे ज्यादा हीरे की पैदाइश कौन से देश में होती है? अफ्रीका में होती है। वो हद के हीरे होते हैं और ये बेहद के हीरों की बात है। उन ज्ञान रत्नों को धारण करना भी उन्हीं के बस की बात है। और अज्ञानता के आधार पर पांव रखा या ज्ञानी बनकर के पांव रखा है? अज्ञानता के आधार पर पांव रखा। बाप को पहचानती थी या नहीं पहचानती थी? जब पांव रखा, पांव रखने की स्टेज में वो बाप को पहचानने वाली थी या अज्ञानी थी? क्या कहेंगे? अज्ञानी की स्टेज है। और गणेश की पूजा बाहर, अभी जैसे अभी फंक्शन चलता है तो बाहर लगाते हैं, हैं? जो अभी आज का दिवस है ना, गणेश का दिवस है।
उनका पूजा सब रास्ते रास्ते पर मोड़ चौरास्ते पर सब बना जाता है, बड़े बड़े ब्रह्मा गणेश की पूजा पम्प एंड शो करते हैं। हाँ, और मंदिर में भी हमेशा रहता है गणेश की, तो मंदिर में भी पूजा होती है। हाँ जी, तो रास्ते पर लगाने का और मंदिर में लगाने का। मंदिर में लगाना माने अपने घर में प्रत्यक्ष हुआ, पैदा हुआ, और गली गली में प्रत्यक्ष होना माने चारों तरफ पैदा, इसकी आवाज फैल जाए कि हाँ पैदा हुआ, कोई गुप्त बात नहीं है। और 2018 में संपूर्ण बन जाएंगे, मतलब पाप समान बन जाएंगे, उसके बाद शिव का क्या पाठ है, संसार का पीरियड है। एक ही बाप समान बन जाएगा या पूरा परिवार बन जाएगा, एक ही बनेगा, एक से परिवार बन जाएगा, एक पारिवारिक इकाई संपन्न मानी जाएगी। आठ आत्माएं हैं, आठ का परिवार होगा, इसलिए भक्ति मार्ग में खास दक्षिण भारत में अष्ट मूर्तियां प्रसिद्ध हैं शिव की। अष्टदेव अर्थात शिव संपन्न स्टेज की आठ मूर्तियां जो सारे संसार के पूर्वज हैं, वो पूर्वज मूर्तियां संपन्न बनती हैं, वो अकेली संपन्न बनती हैं या उनकी प्रजा भी संपन्न बनती है, है? प्रजा भी बनती है 18 में। हाँ, आगे चल करके 2036 भी नहीं कहेंगे क्या, 2036 नहीं कहेंगे, पहले तो मालाएं तैयार होंगी, मालाएं माने वारसदार, जिन वारसदारों के लिए बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो माला में आने वाले वो सभी ब्राह्मण वत्स जो सतयुग त्रेता में 21 जन्म में बाप की बादशाही प्राप्त करते हैं नंबर बार, वो प्रत्यक्ष होते रहेंगे, नंबर बार प्रत्यक्ष होते रहेंगे, सजाएं भी खाते रहेंगे और पद भी डिक्लेयर होते रहेंगे। कम सजाएं खाएंगे तो पद ऊंचा बनेगा, ज्यादा सजाएं खाएंगे तो पद उतना ही जास्ती नीचा हो जाएगा। ऐसे 2027-28 तक राज परिवार की प्रत्यक्षता होती है, जिन्होंने राजयोग सीखा है परमपिता परमात्मा से, और जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं सिर्फ संदेश लिया है, उन आत्माओं को भी टाइम चाहिए पुरुषार्थ करने का या नहीं, वो भी टाइम नुदा हुआ है 2027 से लेकर 2037 तक। जब तक आग लग करके पूरी नहीं होगी तब तक बाप का पार्ट है, स्थापना के साथ साथ विनाश भी नुदा हुआ है। विश्व की बादशाही की स्थापना होनी है या नहीं होनी है,
नई दुनिया की राजधानी की स्थापना होनी है या नहीं होनी है? और राजधानी में सिर्फ राजा रानी चाहिए या राज्य अधिकारी भी चाहिए? नंबर वार राज्य अधिकारी भी चाहिए, और राज्य अधिकारियों को जिन प्रजा के ऊपर राज्य करना है वो प्रजा भी चाहिए। पहले जन्म की जो प्रजा है उस प्रजा की भी अन्य 21 जन्मों की प्रजा के मुकाबले कोई खसूसियत कोई खासियत होगी या नहीं होगी? है, होगी। वो सात सूर्यवंशी हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब ज्ञानी तू आत्माएं तैयार होंगी। तो जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक बाप का पार्ट भी खलास नहीं हो सकता। और कहाँ पर लिख रहे हैं? कहाँ पर लिख रहे हैं? इस्लाम धर्म का धर्म पिता इब्राहिम आधारभूत में प्रवेश करके उसको कंट्रोल करते हैं। उसका शुभ यहाँ संगम युग में होता है, लेकिन अभी उस आधार मूर्ति का स्थूल शरीर नहीं है ना, तो शुद्धि कैसे होती है? स्थूल शरीर नहीं है, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि वो आत्मा परम धाम चली गई? ऊपर से आने वाली आत्मा इस्लाम। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या उनका पार्ट खत्म हो गया सूक्ष्म शरीर से? तो ऐसे ही उनका भी सूक्ष्म शरीर से पार्ट है, कोई ना कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट वो भी बजाए रही। जैसे ब्रह्मा की सोल साकार शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वैसे सभी नारायण जो नंबरवार सतयुग के सात विधर्मी नारायण हैं, जिनकी पूजा जिनके मंदिर जिनकी मूर्तियां नहीं बनती हैं, वो सब कोई ना कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। और सारी रामायण खत्म हो गई, सीता का बाप कौन? अरे सुप्रीम सोल का तो अपना कर्म बंधन ही नहीं है। कर्म बंधन न होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण वो आत्मा गर्भ से जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। वो आत्मा सिर्फ परकाया प्रवेश करती है। जब भूत प्रेत आत्मा प्रवेश कर सकते हैं तो क्या शिव प्रवेश नहीं कर सकता? है, कर सकता है। हाँ, भूत प्रेत आत्माओं का कनेक्शन अनेक आत्माओं से होता है जन्म जन्मांतर, और शिव का कनेक्शन अनेक आत्माओं से नहीं है। प्रवेशता का हिसाब किताब सिर्फ एक ही आत्मा से है, तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। ब्रह्मा की सोल अनेकों में प्रवेश कर सकती है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा में सिर्फ एक शिव ही प्रवेश कर सकता है। और है ब्रह्मा की सोल की प्रजापिता में, वो भी तब तक जब तक प्रजापिता की सोल कमजोर है, हाई जंप लगाने योग्य नहीं बनी है। जब हाई जंप लगाने योग्य बन जाती है तो बैल शंकर के ऊपर सवार नहीं हो सकता। क्या होगा? शिव को परमानेंट सवारी देनी है शंकर के ऊपर, और शंकर को परमानेंट सवारी देनी है किसके ऊपर? बैल के ऊपर। इसलिए जानवरों में
एक बैल ही ऐसा जानवर है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हुआ होता है। क्या सभी जानवरों के कंधे पर शिवलिंग जैसा आकार नहीं होता है? और बाबा ये ब्राह्मण छोटी छोटा सा लिया है जी, अगर जैसे सिकंदर वाले इतना बड़ा मोटा बना लेते हैं, सिकंदर वाले इतना बड़ा छोटी, सिख लोग तो सारे ही बालों का झोटा बनाते हैं, और जो ब्राह्मण चोटी है वो सारे बालों का झोंटा नहीं बनाती, वो सिर्फ है खुर के मुआफिक। खुर का मतलब है वो महाकाली, जब महाकाली का रूप धारण करती है तो स्पेशल संगम युग होता है, वो एक सेकंड का स्पेशल संगम युग है, जब एड़ी और चोटी दोनों इकट्ठे होते हैं। एड़ी माने गाय का खुर, और गाय का खुर को जाके मनुष्य लोग उसको नमन करते हैं। हाँ जी, और सिख लोग इतना बड़ा बना नहीं करता है, वो अपना बढ़ाई दिखाते हैं कि हम बड़े ब्राह्मण हैं, राज करेगा खालसा। क्या खालसा ही विश्व का मालिक बनेगा, और दुनिया में कोई विश्व का मालिक नहीं हो सकता है। और अच्छा, कौन से 8 महीने पानी में रहता है? उन महीनों के नाम गिनाओ। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोल रहे हैं क्या? कौन से 8 महीनों में पानी में रहता है, और कौन से 8 महीनों में पानी से ऊपर आ जाता है? अरे बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हैं? पता नहीं तो फिर इसका जवाब का भी पता नहीं। पहले पूरा पता लगाओ। हाँ, और आगे है, माता जी का प्रश्न है। सभी धर्म भारत से ही शुरू होता है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, क्राइस्ट का जन्म हिस्ट्री के आधार पर बेतलहम, बेतलहम में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? यरूशलम। हाँ, वहाँ दिखाते हैं ना। क्राइस्ट जब नाम लिया जाता है तो दो आत्मा याद आती है ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर। एक तो वो आत्मा जो परमधाम से ऊपर से आती है, और दूसरी वो आत्मा जो परमधाम से आने वाली आत्मा को आधार देती है। वो आधार देने वाली आत्मा भारत में जन्म लेती है या यरूशलम में जन्म लेती है? भारत में जन्म लेती है। वो भारतवासी ही आत्मा ही भाग करके कहाँ पहुँचती है? यरूशलम में पहुँचती है, तब क्राइस्ट वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है। और एक आत्मा का साथ रहेगा, तो उनका जब शरीर छोड़ते हैं तो दोनों एक ही समय पर शरीर छोड़ते हैं या? एक सेकंड का अंतर होगा जन्म लेने में, वैसा ही रहेगा। एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। पुरुष पहले पैदा होगा,
और स्त्री के रूप में जन्म एक सेकंड के बाद मिलेगा। ये बात सभी प्रजाओं के लागू होती है, सारी प्रजाओं के पर लागू होती है बात। यथा राजा तथा प्रजा। और बाबा यार जो गलती करते हैं वो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा मासिक पिटीशन देते हैं, दया करुण का ये करना का पिटीशन देते हैं ना बाबा। जो गलती करता है वो हाईकोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट उसको राय देते हैं फांसी पर चढ़ा दो, फिर बाद में वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिर उसका वो पिटीशन को ये कर देता है, उसको माफ़ी कर देता है। तो सेहत में ऐसा कुछ सजाओं का माफ़ी वेद में प्रेसिडेंट कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अरे कोई है या नहीं है? हैं? शिव बाबा है प्रेसिडेंट। शिव बाबा क्या है? प्रेसिडेंट है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। और फिर उसके नीचे की अथॉरिटी है धर्मराज, सुप्रीम जज है। हाँ, माफ भी कर देता है। प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है कि धर्मराज जो सजा देता है उस सजा की माफ ही कर दे, क्योंकि 84 जन्म की हिसाब किताब हिस्ट्री किसे मालूम है? धर्मराज को मालूम है या शिव बाबा को मालूम है? शिव बाबा को पता है। और कैसे बाबा कैसे आत्मा होगी जिसके लिए हैं, ऐसे कौन से आत्मा होगी बाबा? हाँ, ये प्रेसिडेंट का तू हैं, ऐसे कौन से आत्माएं होंगी? हाँ, जो जस्टिस की मांग करने के बाद भी प्रेसिडेंट से उनका माफ हो जाए, उसका छुटकारा होता है। गीता में जैसे कहा है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, तो ऐसी कौन आत्माएं हैं इस लिस्ट में आने वाली जो अपने ही सारी दुनिया की हत्या करने के निमित्त बन जाती है? कहते हैं सांप एक ऐसा जानवर है जो अपने ही पैदा किए हुए अंडे बच्चों को खा जाता है। तो ये रुद्रमाला के मणके कैसे हैं? है? हाँ, ये जन्म भी देते हैं दुनिया को और फिर हर सब सारी दुनिया को खा भी जाते हैं। इस बात को हमारा चेन्नई का नारायण भाई बहुत अच्छी तरह समझता है। है? प्रेसिडेंट को शिव बाबा बोले। हाँ, अब उसने अपनी सारी दुनिया की हत्या कर दी, तो जो हत्या जिनकी होती है वो तो कहते हैं हम तो मुफ्त में मारे गए, वो तो जाएंगे कोर्ट में, लेकिन वो ये थोड़े ही जानते हैं कि हत्या वाजिब की है या बेवाजिब की है, ये तो शिव बाबा ही जानते हैं। धर्मराज है प्राइम मिनिस्टर। धर्मराज नहीं जानता है, धर्मराज प्राइम मिनिस्टर, धर्मराज जो है वो सुप्रीम जस्टिस है, सुप्रीम जस्टिस से भी ऊंचा है प्रेसिडेंट, वो शिव बाबा है। शिव बाबा को अथॉरिटी है कि कैसा भी कोई हत्यारा हो उसकी असली हिस्ट्री जन्म जन्मांतर की उसके पास है, वो अपनी दुनिया का कल्याण भी करने वाला है या नहीं है? अपनी दुनिया का कल्याण भी करता है, फिर वही दुनिया जब तामसी बनती है तो तामसी दुनिया का विनाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अच्छा किया है या बुरा किया है? ये काम मोह के कीड़े कर सकेंगे
या निर्मोही आत्मा कर सकेगी? है, निर्मोही आत्मा ही ये कार्य कर सकती है। ये मोह के कीड़े कीड़ियां होंगे वो तो ये काम कर ही नहीं सकते। बता नहीं पाता है लेकिन मन में उसको स्वीकार करता है। हाँ, जानबूझ के नहीं बताता है। कैसा सजा मिलेगी? है? कैसा सजा मिलेगी? बड़ी बढ़िया सजा मिलेगी। हाँ, भाषा के कारण नहीं बाता के कारण नहीं बचा हम बता पाता तो कौन कहता है वाचा में बोले? बाबा तो कहते हैं लिख करके दे दो, वाचा क्यों चलाओ? वाचा में तो वातावरण खराब होता है। भाषा दूसरी भाषा में लिख के दे दो। बाबा के पास से एक ही भाषा के बच्चे हैं क्या? तो लिख करके देने के बाद वो बोलता है वो गलती से दोबारा हो जाता है। दोबारा हो जाता है तो आधा माफ नहीं होगा, आधा माफ होगा या थोड़ा माफ होगा? थोड़ा माफ होगा। तीसरी बार करेगा तो और थोड़ा माफ होगा। ऐसे नहीं बार बार गलतियां करते रहे, बार बार लिख करके देता रहे और बार बार माफ होता रहेगा। फिर तो जैसे कसाई के घर में बच्चा पैदा होता है, उससे पूछा जाए तुम गाय क्यों काटते हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है, तो कसाई के बच्चे की बुद्धि में बैठेगा? बस बुद्धि ही ठस हो जाती है। फिर उनकी बुद्धि में वो पाप पुण्य की व्याख्या बैठ ही नहीं सकती और ही जन्म जन्मांतर पाप करते चले जाते हैं। 2018 में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापना होता है छोटा परिवार में, तो उसी समय दुनिया में भी विनाश शुरू हो जाएगा 2018 में? बिल्कुल हो जाएगा। तो आज की दुनिया में भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विनाश होता है, तो उसका बीज ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है या नहीं होता है? सन 76 में इंदिरा गांधी को डावाडोल कर दिया और गुजरात से जयप्रकाश नारायण उठ खड़े हुए, उनके साथ ही बन गए कृष्ण मुरारी देसाई। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा हुआ तो बाहर की दुनिया में भी हुआ या नहीं हुआ? ये तो बड़ी बात हो जाएगी। जब भगवान का राज्य स्थापना हो रहा है तो लोग सब खुश रहना ना है? सब लोग कैसे खुश होंगे? जिनके घर में बच्चा पैदा होता है वही ढोल मजीरा नगाड़े बजाते हैं कि सारी दुनिया ढोल मजीरा मन नगाड़े बजाती है? है? और धर्मा की गौरव चार दिन से बच्चा खुश लगता है, इसका एक का गायन है क्या? सभी का है क्या? चालीस वर्ष एक के लिए और उसके बाद जो 10 वर्ष हैं वो सभी राजयोग सीखने वालों के लिए। राजयोग सीखने वाले राजाएं कितने हैं? नंबरवार राजाई करने वाले संख्या कितनी है? 16,108 हैं। गुरुद्वार में हमेशा 26 घंटे वो कीर्तन चलते रहता है। गुरुद्वार में वो राम वचन या कुछ ना कीर्तन करते रहते हैं। संगत चलती रहती है। हाँ, और बड़े बड़े लोग सौदा लोग आकर सेवा भी देते हैं। हाँ, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या वो अकाली नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई अकाली का पार्ट बजाने वाले हैं या नहीं है? काली नहीं है, महाकाली नहीं है, गौरी भी नहीं है, महागौरी भी नहीं है।
लेकिन अकाली है, माने वो काले नहीं है, दिल के साफ है, इसलिए रुद्रमाला के मणके बनते हैं। और दिल के साफ होने के कारण, रुद्रमाला के मणके बनने के कारण, वो भगवान के सबसे नजदीक हैं, उतने ही नजदीक हैं जितना पहला मणका नजदीक है, उतना ही नजदीक है वो अकाली मणका भी नजदीक है। हाँ जी, उसका प्रभाव कम है या ज्यादा है? और हाँ, मुरली में परहेज आता है, परहेज हाँ, खाने का, पीने का, रहन का, सहन का, संग का, ये सब परहेज है ब्राह्मणों की दुनिया में। ऐसे थोड़े ही गंदे लोगों के संग हम रहते रहे तो हमारा परहेज पूरा हो गया। परहेज माने पथ्य, जैसे बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर लोग, वैद्य लोग बताते हैं ये चीज का परहेज रखना, मांस नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ऐसे बोलते हैं ना, गुड़ नहीं खाना। तो ये गुड़ का, तेल का, मांस का परहेज बता दिया। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसे ही बाबा भी परहेज बताते हैं। कुछ परहेज का पता है? कौन कौन सा परहेज बताते हैं? पहला पहला मुख्य परहेज क्या बताया है? काम विकार में नहीं जाना, ये है मुख्य परहेज। और उस मुख्य परहेज की चालू रखने के लिए और भी छोटे बड़े परहेज हैं, जैसे संग दोष और अन्न दोष। अन्न दोष में आएंगे तो काम का वार हो सकता है, संग दोष में आएंगे तो भी क्या हो सकता है, काम का वार हो सकता है। और वो संग दोष भी पहचानना पड़ता है। कैसे पहचानेंगे? मुरली में बोला है जिनका बाप से संबंध नहीं है, बाप से कनेक्शन नहीं है, उनसे बच्चों को भी कनेक्शन नहीं रखना है। अर्थात बाप के संबंध के आधार पर संबंध बनाना है। संबंध होता है गहरा कनेक्शन, संपर्क होता है हल्का हल्का। अर्थात कोई ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए बाप दादा बोलते हैं कि बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते, ऐसा अटूट संबंध जोड़ा हुआ है। तो ऐसों के साथ हमारा संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? अरे ऐसों के साथ हमारा संबंध होना चाहिए अच्छा है या खराब है? है? नहीं, हाँ अच्छा है। और जिनसे बाप का संबंध नहीं, बाप की जिनसे कभी बात ही नहीं होती, बाप से जो कभी मिलना जुलना ही नहीं पसंद करते, बाप से बात करना भी पसंद नहीं करते, जैसे मुरली में बाबा बोलते हैं बाप दादा की इच्छा नहीं होती है ऐसों का मुंह देखने की, तो ऐसों से संबंध जोड़ना, संपर्क रखना, बातचीत करना, उससे हमारा नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान ही हो जाएगा। और बाबा अभी मुरली में आया है, तुम बच्चों को
तुम बच्चों कहते हैं नौ वर्ष में विनाश होगा। हाँ, आज की मुरली में आया। मैं नहीं कहता। हाँ, ये कहने वाला बात है। हाँ, माने बाप ये सूक्ष्म विनाश की बात बताई, बाबा ने कोई स्थूल विनाश की बात नहीं कही कि संचेतर में होगा, नौ वर्ष में होगा, ये भी तो बताया साथ में। इस बात की समझानी तुम बच्चे ही दे सकते हो कि नौ वर्ष में कैसा विनाश होगा। दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? दे सकते। कि वो ब्रह्मा कुमार कुमारी इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, नौ वर्ष में विनाश होगा, इसका स्पष्टीकरण वो लोग देंगे? नहीं देंगे। तुम दे सकते हो और तुम ये घोषणा करते हो क्या नौ वर्ष में विनाश होगा? पहले भी तुमने घोषणा की थी, अभी भी तुमने वो घोषणा को समझाया है। और संग में राधा कृष्ण का माँ बाप कब में बाबा? जो संगम युगी राधा कृष्ण है उनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले माँ बाप हैं या स्थूल जन्म देने वाले माँ बाप हैं? हैं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले माँ बाप हैं। माना जब संगमी कृष्ण जन्म लेता है या गर्भ में आता है या पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है, यादगार दिखाते हैं ना, तो जिस समय पीपल के पत्ते पर दिखाया गया है वो बात किस समय की है? संगम युग की तो है, लेकिन संगम युग में भी कौन से टाइम की है? जब ब्रह्मा दादा लेकर आदि की आयु 100 साल पूरी होती है। कब पूरी होती है? 86-87 में। तो सन 86-87 में वो कृष्ण की आत्मा कोई पीपल का पत्ता है, थोड़े से हवा का झोंके से यूं हिलता है। कहाँ पड़ा हुआ है? संसार सागर में, विषय सागर में पड़ा हुआ है। विषय सागर में पड़ा हुआ वो पीपल का पत्ता, जहां सागर की ऊंची ऊंची हिलोरें आ रही हैं ज्ञान की, उसमें वो नवैया हिलती डुलती डोल रही है। और बाप उस नवैया के बारे में क्या कहते हैं? नवैया हिलेगी डुलेगी लेकिन अंत तक डूबेगी नहीं। ये वो नैया है जिस पर बिठैया जो बैठने वाली आत्माएं हैं वो संसार सागर के पार जाएंगी। क्या संसार सागर के पार? नई दुनिया में जीते जी पहुंच जाएंगी। वो सन 86-87 में जब वो नैया जगत की माता के रूप में प्रत्यक्ष हुई थी तो उसे प्रत्यक्ष करने वाला कोई तो होगा, होगा या नहीं होगा? होता होगा। जो था उसी आत्मा ने दक्षिण भारत में पहले आकर के ये ढिंढोरा पीटा, ईश्वर आया हुआ है, बाप टीचर सदगुरु के रूप में पार्ट बजाया है। और दक्षिण भारत से शुरुआत हुई, खास करके कर्नाटक से, और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश से जोर शोर से सैलाब आया और ढेर की ढेर पार्टियां आना जाना शुरू हो गई। जबकि दक्षिण भारत वाली भाषा भी है, ज्ञान की भाषा भी नहीं पूरी समझते थे, तो भी ढेर की ढेर पार्टियां वहां जाकर के पहुंचने लगी। तो ये प्रत्यक्षता करने का निमित्त तो कौन बना? कोई बना या नहीं बना? है? बना। जो बना उनके लिए बाबा ने बोला हुआ है सबसे पहले कौन मरेंगे?
है इस्लाम ही मरेंगे। इसका मतलब कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है, उस बीज रूप आत्मा ने दक्षिण भारत में आकर के पहले ढिंडोरा पीट दिया। क्या कि बाप दादा कहां पार्ट बजाए रहे हैं? तो जन्म देने के लिए में तो कौन हुआ है? कौन हुआ? इस्लाम धर्म। इसलिए झाड़ के चित्र में ध्यान से देखो, राम वाली आत्मा कौन से धर्म की डाली के नजदीक खड़ी हुई है? मुस्लिम धर्म की डाली के नीचे साथ में खड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई। इसका क्या अर्थ हुआ कि बेसिक नॉलेज में भी वो आत्मा जब आती है तो इस्लाम धर्म से निकला हुआ जो मुस्लिम धर्म है, उस मुस्लिम धर्म की आधारभूत आत्मा उसे उठाने के निमित्त बनती है। इसलिए संगम की कृष्ण का जन्मदाता कौन हुआ? मुरली में बोला है कृष्ण के माँ बाप की उतनी महिमा नहीं है जितनी 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 कृष्ण की है। गुरु कृष्ण सतयुग का है या संगम युग का है? महिमा सतयुग की कृष्ण की है या संगम की कृष्ण की है? संगम की कृष्ण की महिमा। संगम युगी कृष्ण के माँ बाप की उतनी महिमा संसार में नहीं है जितनी जितनी जितने सतयुग के कृष्ण के माँ बाप की महिमा है। सतयुग के कृष्ण की माँ बाप कौन है? विश्व के मालिक है। उन विश्व के मालिक की महिमा ज्यादा है या कृष्ण की महिमा ज्यादा है? मालिक की महिमा ज्यादा है। और जो संगम युगी कृष्ण है, जो विश्व के मालिक बनते हैं, उनके माँ बाप की महिमा नहीं। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही दुनिया वालों को समझाए सकते हैं। दुनिया में और कोई इन बातों को समझाए नहीं सकता। और अगर भगवान को धर्मराज कराता है, धर्मराज ज्यादा प्रतिष्ठा करते हैं भगवान को ज्यादा प्रतिष्ठा दुनिया में करने करने वाला धर्मराज है। धर्मराज भगवान को ज्यादा प्रतिष्ठा करते हैं। जब लक्ष्मी माता जी है और योगिनी माता जी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा विजय माला के रहते हुए भी धर्मराज का इतना भगवान को प्रतिष्ठा। भगवान को प्रत्यक्ष करने का काम, भगवान को प्रत्यक्ष करने का काम पवित्र आत्मा करेगी या अपवित्र आत्मा करेगी? और धर्मराज को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है कि क्लीन शेव दिखाया जाता है? दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है। इससे क्या साबित होता है कि धर्मराज पवित्र था या अपवित्र था? इस्लाम धर्म का था या चंद्रवंश सूर्यवंश का था? है इस्लाम धर्म का था। कृष्ण की बात अलग है, कृष्ण के बाप की बात अलग है। एम हो गया बाबा, शिवालय में बड़ा शिवलिंग आए, नीचे ब्रह्मा, बीच में विष्णु, ऊपर शंकर आए। क्या बड़ा शिवलिंग है? इधर गुरुमाला। अच्छा, उस गांव का नाम है। वहाँ एक मंदिर है, क्या नाम बताया गांव का? गुड़ी मल्ला। गुड़ी मणि मंदिर। और मल्ला मणि नीचे मणि मल्ला मणि नीचे
नीचे। अच्छा, बूढ़ी मल्ला में जो मंदिर है, उस मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें तीन मुख दिखाए गए, नीचे ब्रह्मा का, बीच में विष्णु का और सबसे ऊपर शंकर का। मंदिर तो बिल्कुल पक्का बना हुआ है, है? 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 नागरकोल में भी है, नागरकोल में भी है, दक्षिण भारत में है, सुशिंद्रम में। अच्छा, गांव का नाम सुशिंद्रम है, नानुमाल पेरुमाल मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ भी है। वो पुराने पुराने मंदिरों में देखो कैसी अच्छी 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 यादगार है, है जिनमें सच्चाई प्रत्यक्ष दिखाई गई है। और दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में नहीं है। इसका वेद का अर्थ यही है, जो अष्टदेव है वो अष्टदेव उनमें ज्यादातर आत्माएं, ये सभी आत्माएं आठ दूसरे दूसरे धर्म के पूर्वज हैं, ये सब सूर्यवंश के पूर्वज हैं, है? तो दूसरे धर्म विदेशी है या स्वदेशी है? है? विदेशी है, तो विदेशियों की जो यादगार है वो भारत के विदेश दक्षिण भारत में होनी चाहिए या उत्तर भारत में होनी चाहिए? है? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में अष्ट देवों की मूर्तियां और मंदिर नहीं बने हुए हैं, और दक्षिण भारत में अष्ट देवों की मूर्तियां और मंदिर बने हुए हैं। कोई कहे अच्छा सात तो चलो मान लिए कि सात जो है वो विदर्मियों के पूर्वज है, बल सूर्यवंशी है पक्के, लेकिन पूर्वज दूसरे दूसरे धर्मों के हैं, लेकिन जो पहला नंबर है वो तो विदर्मियों का पूर्वज नहीं है, है या नहीं है? 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 नहीं है? है? बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, अगर विदेशी बन करके ना आता तो तुम बच्चों से खुल करके मिल भी नहीं पाता। और अब लक्ष्मी नारायण का मंदिर उत्तर भारत में सब सफेद दिखाया जाता है, यहाँ दक्षिण भारत में सब काले खड़े दिखाए जाते हैं। उत्तर भारत में सफेद मूर्तियाँ दिखाई जाती है, यहाँ दक्षिण भारत में श्रृंगार की भी मूर्तियाँ दिखाते हैं, सब काले दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत में मूर्तियां नहीं है, काले काले का मतलब सब तमो प्रधान बन जाते हैं ना, कन्वर्ट हो जाते हैं। आठ लक्ष्मी नारायण है ना, तो जो दक्षिण भारत से कनेक्टेड है, विदेशियों से कनेक्टेड है, वो सब ताम से बन जाते हैं। जो उत्तर भारत में लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं वो विष्णु की मूर्ति है, जो आदि में भी विष्णु था और अंत में भी विष्णु रूपी ही रहता है। दुनिया से सत्य का लोप कभी होता है क्या? होता है? नहीं होता है। कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई आत्माएं, कोई ना कोई पेयर सार्वजनिक स्टेज में रहता जरूर है, नहीं तो दुनिया टिक नहीं सकती। उन्हें लक्ष्मी नारायण में भी जब नारायण वाली आत्मा आती तमो प्रधान बन जाती है 76 में, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं बड़े से बड़े काम ही कांटे में, उस समय भी सात्विकता रहती है या नहीं रहती है? है? कैसे रहती है? वो तो तमो प्रधान बन गया। हाँ, उनकी जो सहयोगिनी शक्ति है वो निर्विकारी और अब भी बिचारी स्टेज में रहती है। और बाबा बिल्ली सांप को खा जाती है, है? बिल्ली सांप को खा जाती है। बिल्ली 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 सांप को खा जाती है। हाँ हाँ, खाती है ना? हाँ,
बिल्ली माया बिल्ली जो है वो किसी को छोड़ती है क्या? मुरली में क्या बोला, माया किसी को छोड़ती है? हैं? माया किसी को नहीं छोड़ती। और ओम शांति, लोग इशारा कर रहे हैं, देर हो गई, क्लास पूरा करो। चलो